फ्रेंड, ये मैंने आपको जो कटिंग दिखाई है, ये मैं आपको लैस रख कर दिखा रही हूँ। यानी कि आप इस तरह से नीचे इनर लगाएं और ये आप सीप वाला, सितारों वाला, मोती वाला कोई भी फैब्रिक लगा सकते हैं। ये मैंने अभी स्टिच नहीं किया, सिर्फ साइडों से स्टिच किया है और ये आपको रख कर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। आप जब इसके साथ कंट्रास्ट, यानी कि ये उपटन के लिए बनाया जा रहा है, इसके साथ हम ज़्यादातर येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप करीब से देखें। और वो मैं आपको ऊपर तक दिखा रही हूँ रख कर। फ्रेंड, मैंने ये ऊपर बेल्ट की पट्टी रख कर आपको दिखाई। आप चाहे मैक्सी बना लें, आप चाहें तो लहंगा बना लें, आप चाहें तो स्कर्ट बना लें। ये गोल कटिंग हमने आपको कंप्लीट कट कर कर दिखाई है और उसमें ये चीज़ें रख कर नहीं दिखाई थी, तो अब हम इसको रख कर दिखा रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमने सोचा वीडियोस को अनकंप्लीट कर कर नहीं, आपको लैस रख कर दिखा देते हैं। अभी स्टिच होने में तो काम करवाने में 1 मंथ लग जाएगा, तो हम चाह रहे हैं आप हमारा ये लहंगा कंप्लीट देख लें। स्कर्ट, मैक्सी, फ्रॉक, जो भी आप, ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत। इसकी कटिंग करना भी बहुत ही इजी है, ये बहुत बड़ा था तो इसलिए थोड़ा सा आपको कट करने में लगा होगा मुश्किल। आप एक न्यूज़पेपर का चकोर पीस ले लें और उसे कट करके देखें तो बहुत इजी कट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ एक अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग का आइडियाज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फुल लेंथ के राउ सिल्क कपड़ा लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने फोर फोल्ड करके रखा है क्योंकि मुझे डबल घूम का लहंगा, इसका नीचे का अम्ब्रेला कट करवाना है। 49 इंच यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, 48 इंच जो है हमने इसकी लेंथ ली है और ऊपर से हमने तकरीबन 5 इंच का निशान लगाया है। इस 5 इंच का जो हमने निशान लगाया है आप अपनी वेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों तरफ से मैं 5 इंच का निशान लगा रही हूँ और फिर इसके बाद इन दोनों कट्स को मिलाकर आप चाहें तो 5-5 इंच के निशान पूरे कर कर भी लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कपड़ा बहुत ज़्यादा है और जगह कम, तो इस वजह से फ्रेंड आप लोगों को हमारे पाँव वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे वीडियो में। और मैं आपको दिखा दूँ इसकी, ये देखें, ये पूरा ऐसे करके रखा हुआ है। ये अर्ज़ जो है आपका, इसका दिखाती हूँ मैं, ये अर्ज़ है, ये तकरीबन 60 इंच का अर्ज़ है इसका। ये देखें, पूरा 60 इंच का अर्ज़ है, इतना ज़्यादा घूम वाला है इसका। फ्रॉक की घघरी बन रही है नीचे की, जो कि मुझे ओपन स्लिट के साथ बनानी है। अभी ये देखें, मैं इसको फोल्ड जो है हाफ़ कर रही हूँ ताकि इसका समोसा टाइप का बना लूँ उसको। इस तरीके से कॉर्नर ज्वाइंट करना है आपने, ठीक है, ऐसे ज्वाइंट करना। ये इस तरीके से कर दिया है। इसके बाद आप इसको एक और हाफ़ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन मैं इसको एक और हाफ़ नहीं करूँगी। मैं इसको ऐसे ही स्ट्रेट कर कर यहाँ से जो मैंने कट लगाया हुआ है 49 इंच का, सारे पे 49 इंच के निशान लगाऊंगी और उसके बाद इसको कट कर लूँगी। ये देखें, ये 47 हो गया है, ये 48, और इसी तरह 48 पर हमने निशान लगाना है। ऊपर से पूरा रखकर आपने 48 पे इस तरीके से निशान लगाते रहना है, फिर आगे घुमाना है, फिर 48 का निशान लगाना है। ये 49 का लग गया है गलती से निशान। और इसको हमने फिर से यूं इस तरह से हाफ करना है। आप जितना इसको कम करना चाहें कर कर कट कर सकते हैं। और फिर आप ये देखें, ऊपर से ये हमने पूरा 48 का निशान लगाना है हमने। ज़रा सा बढ़ा लिया है क्योंकि सिलाई में भी आ जाएगा और इसके अलावा कटिंग में भी कम हो जाता है, तो कोशिश करें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखें। जब आपको
पूरा प्रॉपर करना हो तो आप उसको कट करवा सकते हैं या पीको करवा सकते हैं, तो वो सारा कुछ कर कर कंप्लीट हो जाएगा। मैं अब आपको इसको पूरा कट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड, जब आप इसको काट रहे हो तो ये बात ख्याल में रखें, ध्यान में रखें कि बिल्कुल स्ट्रेट कटता है। जब गोल दायरा काटना हो तो हम इसको कुछ घुमा के या कुछ करके नहीं करेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ हमने स्ट्रेट कैंची चलानी है। यहाँ पर आप देखिएगा, फुल स्ट्रेट ही कटेगा, ये पूरा स्ट्रेट कट गया है। देखें, बिल्कुल ये चीज़ स्ट्रेट होनी चाहिए। जब इसको हम खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा गोल राउंड ही होगा। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने बढ़ाया था, ये उसकी वजह से हो रहा है। तो हम इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब जो 5 इंच का निशान लगाया था, ये ऊपर से 5 इंच का हम यहाँ से यहाँ तक का काट लेंगे। इसको हल्का सा राउंड करके, आप इसको हाफ करके बिल्कुल स्ट्रेट काटें तो ये राउंड ही कटता है। ये हमने सेंटर का टक लगाया है ताकि जब हम ज्वाइंट कर रहे हों तो इजी रहे। साइडों में हमने सिलाई लगा लेनी है और ये हमारा राउंड अम्ब्रेला तैयार हो जाएगा। ये फिटिंग का की वजह से हमने ऐसा लगाया है। आप ये देखें, अपना राउंड जितना आपको आपकी फिटिंग हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ये 18 इंच की है, इसमें आप चाहें तो चुने भी दे देना हो तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें, थोड़ा कम कर लें, जितना भी आपको सही लगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने पूरा राउंड खोल कर, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं कि इसकी घूम आप देख सकें। ये हाफ है घूम, मतलब डबल करके रखे हुए हैं। तो इसके घूम तकरीबन, मैंने जो कपड़ा लिया था इसका फैब्रिक की अर्थ था, जो आपको पता है 60 इंचेस का अर्थ था, और इस कपड़े के फैब्रिक की क्वान्टिटी थी तकरीबन 7 मीटर। बड़े अर्थ का कपड़ा था ये, और इसमें आप ये देखें, इसमें तकरीबन ये इतना फैब्रिक बचा है मेरा, जो कि मैं ट्राउज़र में यूज़ करूँगी और मुझे जहाँ जहाँ यूज़ करना होगा वहाँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये हाफ हाफ कर दिए हैं, ये देखें ये इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।